दोस्तों चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोया काठी रोल बनाने के लिए यहाँ पर हमने सोया चंक्स ले लिए हैं। एक बड़े बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख देंगे। पानी में हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और नमक को यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे। पानी में बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 1 कप सोया चंक्स। सोया चंक्स डालने के बाद एक बार मिक्स कर ले और 3 से 4 मिनट तक लिए बॉईल होने देंगे। जब तक कि हमारे सोया चंक्स अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, तो 3 से 4 मिनट के बाद जब आपके सोया चंक्स इस तरीके से सॉफ्ट हो जाए, इसको ठंडे पानी से वॉश कर ले। ठंडे पानी से वॉश करके इसमें से जितना पानी है वो निकाल ले। अब पानी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने सोया चंक्स निकाल लिए और इस तरीके से हम इसका निचोड़ के पानी निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हम रख देंगे प्लेट में। इसी तरीके से सारे सोया चंक्स का पानी आप इस तरीके से निकाल ले। निकालने के बाद इसको डाल ले प्लेट में। अब हम इसको रख देते हैं साइड में। एक बड़े बर्तन में हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत सुंदर आता है। इसके बाद डालने के बाद इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कलर है कितना सुंदर आया है। इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच गर्म मसाला, 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगे और 1 चम्मच डालेंगे लेमन जूस। 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्रेशली कटे हुए धनिया के पत्ते और 1/4 कप हम डालेंगे यहाँ पे दही। दही खट्टी ना हो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर ले, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। तो इसको एक बार अच्छे से फेंट लें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर सॉस बनकर तैयार है। अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच के करीबन नमक डाल दिया है। अब हम इसमें हम डाल देंगे सोया चंक्स जो हमने पानी से निकाल के रखा था। तो यहाँ पे सोया चंक्स डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर एक बार मिक्स कर लेते हैं हम। तो चलिए जब तक कि हम सोया चंक्स को मिक्स कर रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे हमने सोया चंक्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप इसको रख दें 30 से 40 मिनट के लिए रेस्ट पे। तो चलिए रोल के लिए हम डो लगा लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमने एक बड़े बर्तन में डालेंगे 1 कप मैदा, 1/4 कप हम यहाँ पर हम डालेंगे गेहूँ का आटा। आप चाहे तो पूरा मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा इस्तेमाल किया। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम 1/4 चम्मच डालेंगे नमक और बेकिंग पाउडर डालेंगे। आप किसी भी कंपनी का यहाँ पे बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी हम डालेंगे 1/4 चम्मच। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे ऑयल। तो आप कोई सा भी ऑयल डाल ले। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच ऑयल डाल लेते हैं और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऑयल यहाँ पर आटे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सॉफ्ट डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदे को हम गूंद लेते हैं और यहाँ पे हम बिल्कुल सॉफ्ट रखेंगे। अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा भी आपका जो डो है वो हार्ड रहेगा जब आप उसको रोल करेंगे तो वो अच्छे से रोल नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पर डो को सॉफ्ट रखना है। तो मैदे को अच्छे से हमने गूंद लिया है। इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। इससे जो आपके परांठे होंगे बहुत ही ज़्यादा नरम बनेंगे। तो इसको अच्छे से ऑयल लगाने के बाद एक गीले कपड़े से इसको हम ढक लेंगे। ढकने के बाद 1/2 से 1 घंटे के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे इसको। इससे जो हमारे परांठे होंगे बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। इसको अब हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद एक पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच बटर डाल लेते हैं और इसको बटर को ऑयल को अच्छे से पैन के अंदर इस तरीके से फैला लेते हैं। इसमें हम मैरिनेट किया हुआ अपना सोया चंक्स डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम सभी सोया चंक्स डाल लेते हैं। यहाँ पर डालने के बाद एक बार हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को हम मीडियम टू हाई पे रखेंगे और सोया चंक्स को 3 से 4 मिनट तक या जब तक सोया चंक्स के अंदर से जो पानी है वो नहीं निकल जाता तब तक यहाँ पर हम भून लेंगे। तो यहाँ पर बीच बीच में चलाते रहें और यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है। तो हमने इसको 2 से 3 मिनट और अच्छे से भुनना है। जब हमारे सोया चंक्स में हल्का हल्का सा ब्राउन स्पॉट्स आने लगे इस तरीके से, तब यहाँ पे हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है यहाँ पर। और अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे, जिसमें यहाँ पे हमने बारीक कटा हुआ प्याज इस्तेमाल किया है स्लाइस में, 1 शिमला मिर्च डाली है और यहाँ पे हमने टमाटर डाले हैं। फ्लेम को यहाँ पे हम हाई पे कर लेंगे और 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको चलाते हुए इस तरीके से भून लेंगे, जिससे जो हमारे प्याज और शिमला मिर्च में जो क्रंच है वो बना रहे। तो यहाँ पे जो हमारे जो सोया चंक्स है वो अच्छे से भुन चुके हैं, प्याज भी अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको रख देते हैं साइड में।
तब तक हम बना लेंगे अपना रोल। तो उसके लिए अब हम इसको साइड में रख लेते हैं। तो जो हमारा डो है वो भी रेस्ट हो चुका है, इसको एक बार अच्छे से गूंद लेते हैं। जो हमारा आटा है यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसकी अब हम लोइयाँ बना लेंगे। तो इस तरीके से हम इसकी लोइयाँ निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा डो है कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसी तरीके से हम दूसरी भी जो लोई है वो निकाल लेते हैं अंदर की तरफ टक करते हुए। इस तरीके से हम इसकी लोइयाँ निकाल लेते हैं, इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं आते। इस तरीके से जब आप लोइयाँ निकालेंगे और आपका पराठा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम सारी जो लोइयाँ हैं वो बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने जो सारी जो लोइयाँ हैं वो बना के तैयार कर ली है। आप अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें गीले कपड़े से ढक करके। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप तुरंत इसको रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक उसके लिए यहाँ पे हमने एक लोई ले ली है। ऊपर से यहाँ पे हमने मैदा के ऊपर यहाँ पे लोई रख ली है। थोड़ा सा मैदा ऊपर से और डाल लें और इसको अब हम रोल कर लेंगे। यहाँ पे हम नॉर्मल रोटी बना के पहले तैयार करेंगे। तो इस तरीके से पहले हम रोटी रोल कर लेते हैं। रोल करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच के करीबन ऑयल डाल लेते हैं। सूखा मैदा ऊपर से डाल लेते हैं, उसको अच्छे से पूरी रोटी पर हम इस तरीके से फैला लेते हैं। पूरी रोटी पे हमने इस तरीके से अच्छे से फैला लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा सूखा मैदा और ऊपर से डस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा सूखा मैदा डाल लें। मैदा डालने के बाद एक बार हम इस चाकू की सहायता से इस तरीके से स्ट्रिप्स काट लेंगे यहाँ पर। तो सभी स्ट्रिप्स को काटने के बाद एक के ऊपर एक इस तरीके से हम एक साइड से रखते जाएंगे। देख सकते हैं जैसे मैं रख रही हूँ, आपने सेम वैसे ही रखना है। उसके बाद सभी को हम इस तरीके से उठा लेंगे और इस तरीके से रोल कर लेते हैं। रोल करने के बाद इसको अंदर की तरफ इस तरीके से हम टक कर लेंगे और ऊपर से हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर। और इसको अब हम फ्लैट कर लेंगे। फ्लैट करने के बाद थोड़ा सा मैदा ऊपर से डस्ट कर लेंगे और उसको अब हम रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको अब रोल कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से आप ये लच्छा पराठा बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम रोल कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो हमने जो रोटी का जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको सेक लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमने तवा जो है पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे अपना पराठा डाल लेते हैं। पराठा डालने के बाद कुछ सेकेंड्स के लिए हम एक साइड से सिकने देंगे। जैसे ये हल्का सिक जाएगा उसको अब हम पलट लेंगे। तो एक बार इसको पलट लेते हैं और दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। तो इस तरीके से ब्राउन होने के बाद आप यहाँ पे घी, बटर, ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं घी लगा रही हूँ। दोनों साइड से हम यहाँ पे घी लगा के इसको अच्छे से सेक लेते हैं। तो इस तरीके से पलट करके दूसरी साइड से भी हम घी लगा लेते हैं। और दोनों साइड घी लगाने के बाद इसको अच्छे से इस तरीके से दबाते हुए हम पराठे को अच्छे से सेक लेंगे अलट पलट के, जब तक कि हमारा जो पराठा है वो अच्छे से सेक नहीं जाता। चलिए, जब तक कि हम पराठे को सेक रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पराठा है वो अच्छे से सेक चुका है, अच्छे से उस पर ब्राउन स्पॉट्स भी आ चुके हैं, पराठा भी दिखने में सुंदर लग रहा है। चलिए अब हम इसको असेंबल कर लेते हैं। तो रोल के ऊपर हम लगाएंगे टमाटो केचप। तो पहले टमाटो केचप लगा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी लगा लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे मेयोनीज भी लगा सकते हैं। ग्रीन चटनी लगाने के बाद यहाँ पे अपने सोया चंक्स डाल लेते हैं। सोया चंक्स डालने के बाद आप यहाँ पे कोई भी अपनी पसंद की सॉस डाल सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे पसंद है। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं बारीक कटा हुआ प्याज, ऊपर से डालेंगे फ्रेशली कटा हुआ धनिया के पत्ता और दोबारा से हम डालेंगे टमाटो केचप। टमाटो केचप डालने के बाद इसमें डालेंगे ग्रीन चटनी और यहाँ पर जो हमारा सोया काठी रोल है वो बन करके तैयार है। अब हम इसको रोल कर लेते हैं। हमारी जो फिलिंग है वो नीचे से ना गिरे उसके लिए यहाँ पे हम टिश्यू इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको रैप कर ले। तो यहाँ पर इस तरीके से ऊपर से फोल्ड कर ले और इस तरीके से इसको अंदर की तरफ रैप कर ले। हमारा सोया काठी रोल बन करके तैयार है। आप इसको लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में बना के बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है। आपको मेरी ये सोया काठी रोल की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। और एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।